बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। होपफुली आप लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। सेवन क्लास, हम लोग पिछले लेक्चर में हमने प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन के बारे में है। वाटर पोल्यूशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर और वेज टू क्लीन वाटर, तो ये हमने रीडिंग कर ली हुई है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ फ्यू वेज टू क्लीन वाटर। ठीक है जी, यानी कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनसे पानी को साफ़ किया जा सकता है, पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। ये आपका पेज नंबर 51 पे टॉपिक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है जी, डिस्क्राइब अ फ्यू वेज टू क्लीन वाटर। Water may have germs, dirt, salt and other things dissolved in it. The process of cleaning and removing impurities from water is called purification water, so that water can be used for drinking. Following are the methods to clean water. ठीक है जी, पानी के अंदर germs हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, नमकियात हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें जो इसमें हल हो सकती हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटा के, निकाल के पानी को जो इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल बनाना है उसको हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस कहते हैं। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले है बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेथड। इम्प्योर वाटर इज़ पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। टू रिमूव डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस स्पेशल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन लेबॉरेटरीज टू क्लीन वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल। फिल्टर पेपर के ज़रिए या फिल्टर मेम्ब्रेन के ज़रिए पानी में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकाली जाती हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये प्रोसेस छोटे पैमाने पर लेबॉरेटरी के अंदर किया जाता है, सो दैट पानी को यूज़ेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारा मेथड है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्यूरीफाई वाटर। बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग फॉर 15 to 30 minutes। दिस इज़ एन ईजी मेथड टू प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उबाला जाता है। 15 से 30 मिनट तक अगर पानी को उबाला जाए तो इसमें मौजूद तमाम बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने के काबिल हो जाता है। ये सबसे महफूज पानी है और ये सबसे आसान तरीका है पानी को, हाउस होल्ड मैथड है ये पानी को साफ़ करने का। थर्ड मैथड है जी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वहाँ पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है तो क्लोरीनेशन की जाती है। इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच इन वाटर। ब्लीच कंटेन्स क्लोरीन। फॉलोइंग टेबल गिव्स गाइडलाइंस अबाउट द अमाउंट ऑफ ब्लीच टू बी यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 liter and 5 to 6% liquid chlorine 3 drops, 2 liter 5 drops and 1 gallon 1/8 teaspoon. लास्ट मेथड है जी पोटाश एलम को यूज़ करने का। वी कैन ऐड पोटाश एलम टू द वाटर टू प्यूरीफाई इट। सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर विल सेटल डाउन। वाटर विल बी प्योर आफ्टर रिकैंटेशन। ठीक है जी, पानी को निथार लिया जाता है पोटाश एलम डालने के बाद। डिकैंटेशन का मतलब है पानी को निथारना, यानी कि वो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर ऊपर से पानी को उतार लिया जाता है, तो ये भी प्यूरिफिकेशन का मेथड है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे वेज टू क्लीन वाटर। आज आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं चैप्टर 5 के। होपफुली आपने अपने नोट्स भी साथ साथ में कम्प्लीट कर लिए होंगे।